हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जो अपन ने करंट, इलेक्ट्रिक और सर्किट पढ़ा था बच्चों। ठीक है बच्चों, तो उसका पहला टॉपिक में अपन ने क्या बात कर ली थी, इलेक्ट्रिक करंट की और करंट डेंसिटी की। तो बच्चों आज अपन करंट डेंसिटी की थोड़ी सी बातें और रह गई वो करेंगे, और उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो करंट डेंसिटी जो है बच्चों, अपने पास करंट डेंसिटी, इसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों हिंदी में इसे अपन बोलते हैं बच्चों धारा घनत्व। क्या बोलते हैं बच्चों? धारा घनत्व। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन जो होता है बच्चों इसका किससे होता है, जे से सदिश राशि होती है, और इसकी जो दिशा होगी वो बच्चों किधर होगी, इसकी दिशा धारा की दिशा में होगी, धारा की दिशा में। अब धारा की दिशा को कैसे बताएंगे, तो धारा की दिशा को कैसे, यानी धारा की दिशा को कैसे कंसिडर करेंगे, जिधर ए वेक्टर की दिशा। ठीक है बच्चों, यानी धारा को अपन कैसे दिखाएंगे, ए वेक्टर की वो वाली दिशा जो धारा की दिशा में हो। अलगड़े भाई मन बच्चों, तो ये अपन बता दिया। अब अपन ने बात कर रहे हैं कि मान लो यदि कोई कंडक्टर है मेरे पास, कोई चालक तार है, जिसको काटने पर उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मान लो ये जैसे तार था इसको मैंने काटा, और काटने के बाद देखा बच्चों इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल था या क्रॉस सेक्शन जो था इसका, वो ऐसे आया, धारा इसमें ऐसे आ रही थी बच्चों। तो इसका मतलब पहले यदि ये ऐसा था, तो बच्चों पहले अपने पास ऐसा था आया था, तो इसका जो एरिया वेक्टर था वो इधर आया था, और इसकी जो धारा थी वो भी इसी दिशा में आई थी, तो आई और ए की दिशा सेम आ गई थी। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में बच्चों अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो तो नीचे आएगा, समझे बच्चों? तो पहले इधर था अब इधर हो गया, तो कितने इंक्लाइंड हो गया बच्चों, ये थीटा एंगल से क्या हो गया, ये इंक्लाइंड हो गया बच्चों। ठीक है, लेकिन मुझे लेना कौन सा एरिया वेक्टर है जो आई की दिशा में आ रहा हो, जो किसकी दिशा में आ रहा हो, आई की दिशा में। तो मैं क्या करूंगा बच्चे, इसका कंपोनेंट ले लूंगा, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या जाएगा, ए कोस थीटा, और ये वाला क्या जाएगा बच्चे, इसका ए साइन थीटा। समझ में बच्चों? तो बोलो इसका जो धारा घनत्व होगा, अब इस वाले केस में तो धारा घनत्व जे बराबर क्या जाएगा, आई अपॉन, और कौन सा वाला एरिया लेना है, जो धारा के परपेंडिकुलर हो, जो मतलब जो धारा के पैरेलल हो, जो धारा क्या हो, पैरेलल हो, परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल हो। तो पैरेलल क्या है, ए कोस थीटा, तो क्या जाएगा, ए कोस थीटा। समझ में आया बच्चों? तो ये धारा घनत्व का कांसेप्ट था। अब बच्चों देखो, मान लो अपन से क्वेश्चन जब पूछा जाता है, क्वेश्चन में कैसे पूछता है बच्चों, आप जानते हो धारा जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों के मतलब इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर क्या बनती है बच्चों, धारा बन जाती है। लेकिन यहां से कोई आईआईटी को इंटरेस्टेड नहीं होता है, वो क्वेश्चन नहीं पूछता है। वो क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो आपको धारा घनत्व के बारे में बता देगा, और फिर वो आपसे विद्युत धारा के बारे में पूछेगा। ध्यान से समझ लेना इस चीज को बच्चों, आईआईटी वालों को ये इंटरेस्ट नहीं है कि वो धारा दे के धारा घनत्व पूछे, उसको इंटरेस्ट किस में है, वो आपको धारा घनत्व दे के फिर धारा पूछेगा। तो धारा घनत्व दे के फिर धारा पूछता है, तो यहां से इसका यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, तो आई बराबर कितना जाएगा बच्चों, जे ए कोस थीटा। आई बराबर कितना जाएगा बच्चों, जे ए कोस थीटा जाएगा। तो यहां से आई बराबर बच्चों, जे कैसी राशि है, सदिश राशि, और क्षेत्रफल भी कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, और कोस थीटा गया, तो आप गौर से फरमाओ बच्चों, ये तो जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, अदिश गुणनफल है। और बच्चों अपन जानते हैं दो भौतिक सदिश राशि का यदि मैं क्या करूं, अदिश गुणनफल करूं, तो उससे प्राप्त जो नई राशि होती है वो हमेशा एक कैसी राशि होती है, अदिश राशि। तो धारा अदिश राशि है, उसका एक प्रूफ यहां से भी होता है। लेकिन आप बोलोगे सर आपने तो प्रदिश बोला, बिल्कुल प्रदिश, क्योंकि वो दिशा भी दे रही पड़ रही है। ठीक है बच्चों, फिर मुझे कन्फ्यूजन कैसा, तो कन्फ्यूजन यही बोल दिया मैंने बच्चों, यदि ऑप्शन में अदिश प्रदिश दिख गया तो प्रदिश सही होता है, लेकिन कई बच्चे अदिश भी कर आते हैं तो वो भी गलत नहीं है, वो चैलेंज करके वो अपने नंबर बढ़वा सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन में अदिश प्रदिश आ गया, बच्चे ने प्रदिश लगा दिया, तो फिर वो उसके नंबर मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। यदि नहीं मिले तो अपन चैलेंज नहीं कर सकते, ये बात समझ लेना। इसका मतलब अदिश ही लगाओ, प्रदिश तो आपको केवल समझना है। तो ये बात क्लियर बच्चों, चलो। लेकिन बच्चों आप ध्यान से समझना क्या होता है, आपके पास जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा बच्चों, कि आईआईटी जे देके फिर आपसे क्या पूछेगा, आई पूछेगा। आईआईटी क्या करेगा, जे देके फिर आपसे आई पूछेगा। ठीक है, जे होता क्या है बच्चों, जे होता है कि चालक तार के, देखना ध्यान समझना चीज को, क्या जे क्या होता है, चालक
तार के, मैंने भी लिखू इसको एक बार अच्छे से, चालक तार के अनुप्रस्थ एकांक, चालक तार के एकांक अनुप्रस्थ, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए से प्रवाहित धारा, समझ रहे हैं बच्चों? जी क्या होता है, चालक तार के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, धारा घनत्व कहलाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक चीज समझना आप, कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि जो चालक तार के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो होता है, वो उससे जो धारा प्रवाहित हो रही है, वो धारा कभी कभी कैसी होती है, असमान धारा, असमान बोल लो या उसको वेरिएबल बोल लो, इंग्लिश में क्या बोल लो बच्चों उसको, वेरिएबल बोल लो या उसको चर बोल लो, ठीक है, मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो चर बोल लो, असमान वेरिएबल और चर, ऐसे वो आपको देगा, ऐसे वो आपको देगा, ठीक है। यदि चालक तार के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा कितने प्रकार की देगा, दो, या तो वो ऐसे दे देगा या फिर वो कैसे देगा, समान, समान का मतलब क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट। अब मैं आपसे क्या समझाना चाह रहा हूं बच्चों, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि यदि उसने जे कांस्टेंट दे दिया, मतलब ये कांस्टेंट देने वाला एकांक अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा कैसे जा रही है, कांस्टेंट जा रही है, तो उस वाले केस में यदि धारा का मान निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला क्या है, पर्याप्त है, ये वाला फॉर्मूला पर्याप्त है, जे के कॉन्स्टेंट में दी होगी, एरिया दिया होगा, अधिसमन पर करो धारा आ जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यदि आपको चालक जो धारा प्रवाहित हो रही है एकांक क्षेत्रफल में से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कैसी है, फ्लक्चुएशन वाली है, असमान वाली है, तो फिर उसके लिए अपन कैसे करेंगे, तो उसके लिए नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे बच्चों क्या, तो समझ में आएगा बच्चों मेरे कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, कि आईआईटी जे देके आई पूछेगी, अब वो जे भी कैसे देगा, एक बार कॉन्स्टेंट दे देगी और एक बार असमान देगी, तो कॉन्स्टेंट से तो आप कर सकते हो, सब बच्चे करेंगे, लेकिन असमान से करने में दिक्कत आएगी, तो क्या बोलेंगे बच्चों, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, करंट ड्यू टू वेरिएबल, करंट ड्यू टू वेरिएबल करंट डेंसिटी, वेरिएबल करंट डेंसिटी, समझ आए बच्चों? तो ये अपना पास टॉपिक है, ये कौन सा टॉपिक है, और इसी से आए थी पूछता है, तो अब तक का जो निष्कर्ष था उसका 5 स्टार टॉपिक ये आ गया, फाउंडेशन का प्योर, क्या बोला बच्चों उसने, करंट निकालनी है ड्यू टू के कारण, वेरिएबल करंट डेंसिटी, यानी जिसका जो डेंसिटी वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया ना बच्चों, कि एक हर एक एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से धारा अब कांस्टेंट नहीं जा रही है, वो असमान जा रही है, वो वेरिएबल जा रही है, वो फ्लक्चुएट कर रही है हर एकांक क्षेत्रफल में। मैंने देखा कि यार इस वाले एकांक में से तो 2 एम्पियर गई, अगले वाले एकांक में से 4 एम्पियर गई, तो अब ये क्या हो गई, असमान हो गई, तो उस वाले कॉन्सेप्ट को अपन कैसे निकालते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब अपन उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने क्या बनाया बच्चों आपके पास, कि जो कोई तार था, मतलब तार की जो आकृति होगी, तार की आकृति बेलनाकार भी हो सकती है, यानी सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, और तार की आकृति कैसे हो सकती है बच्चों, वर्गाकार भी हो सकती है, यानी स्क्वायर भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर आपको कैसा तार देगा। अब आप तो बोले गुरु जी हमने तो अभी तक बेलनाकार ही देखे, जो गोल गोल वाले ऐसे तार आते हैं, हमने तो कभी ऐसे तार देखे ही नहीं, तो अब नहीं देखे तो कल्पना कर लेना बच्चों कि ऐसे भी तार हो सकते हैं, वर्गाकार वाले तार, समझ आए मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने क्या करा बच्चों, अब मुझे इंटरेस्टेड नहीं है कि तार कैसा है, मुझे इंटरेस्टेड है कि जब मैंने उसको काटा तो काटने के बाद जो उसका साइड व्यू है, मतलब कोई भी तार है मुझे मतलब नहीं है बेलनाकार है, वर्गाकार है, आयताकार है या आयत आयताकार है, मुझे तो, या त्रिभुजाकार, मुझे तो किससे मतलब है, जब मैं उसको काटूंगा, काटने के बाद जो क्रॉस सेक्शन जिसे अपन बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, वो कैसी आकृति का है, वो सर्किल है या वो वृत्त है या वो वलय है या वो चपटी है या वो बच्चों त्रिभुज है, जो क्या है वो, या वो वर्ग है, वो उसमें मैं इंटरेस्टेड रखता हूँ। तो मैंने क्या करा बच्चों, ये जो तार था मेरे पास इसको मैंने काटा, काटने के बाद जब मैंने इसको काटा, तो काटने के बाद मान लो मेरे पास जो ऐसे
काट दिया मैंने, बीच में से काट दिया, ये आया। इसका यदि मैं आपको क्या दिखाऊं बच्चों, इसका मैं ये वाला जो व्यू है इसको मैं साइड व्यू से दिखाता हूँ, या फ्रंट व्यू बोल लो, मैं इसको फ्रंट व्यू से दिखाता हूँ, यानी यहाँ पे खड़ा करके अब मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये आपको कैसे दिखेगा, ये आपको ऐसा दिखेगा, समझ आया बच्चों। और इससे जो धारा जो ऐसे जा रही थी, मान लो इससे जो धारा ऐसे फ्लो हो रही थी, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन अब आपको आपकी तरफ आते हुए दिखेंगे ऐसे, तो उसको मैं किससे दिखा दिया बच्चों, डॉट से। ये डॉट, डॉट का मतलब क्या हो रहा है, आपकी तरफ आ रहे हैं। आर गेट माय पॉइंट बच्चों। अब मैंने क्या करा बच्चों कि मैंने ये चेक किया, अब ये इसको मैंने जो क्षेत्रफल माना, ये कितना क्षेत्रफल है इसका, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मान लो इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल कितना है मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्षेत्रफल है ए, तो इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का क्षेत्रफल कितना है, ए मैंने मान लिया, पाई आर स्क्वायर होता है अलग इसका, चलो इसके त्रिज्या मान लो तो बोलो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये कैसा दिखा आपको, सर्कल, और ये जो डॉट का मतलब है धारा ऐसे आ रही है आपकी तरफ। अब मेरे प्यारे बच्चों अब क्या होगा कि यहाँ पे आपको क्या बोल दिया, करंट डेंसिटी कैसी बोल दी, वेरिएबल। यदि इस वाले क्वेश्चन में करंट डेंसिटी वेरिएबल है तो मुझे आई कैसे निकालनी है। करंट डेंसिटी वेरिएबल का मतलब समझ में आया कि यदि मैंने यहां से छोटा सा, मैंने कह लिया बच्चों इस पे छोटा सा एरियल क्षेत्रफल लिया, बहुत छोटा सा एकांक क्षेत्रफल, तो एकांक क्षेत्रफल जो मैंने लिया तो मैंने चेक किया बच्चों यहां से धारा मान लो जा रही है 5 एम्पीयर। फिर बच्चों मैंने यहाँ पे ये वाले सेम एकांक का क्षेत्रफल मैंने इस वाली पोजीशन पे लिया और मैंने चेक किया यहाँ से जा रही है 10 एम्पीयर, सेम इतना ही मैंने यहाँ पे लिया और मैंने चेक किया यहाँ पे जा रही है 15 एम्पीयर की, तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एक एकांक क्षेत्रफल में इस चालक तार के या इस चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से, हर एक एकांक क्षेत्रफल में से जो धारा है वो अलग अलग जा रही है, फ्रैक्चर जा रही है। तो अब मैं, मुझे तो निकालना क्या है, आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द टोटल करंट, मतलब मुझे तो क्या है, करंट क्या बोलते हैं, करंट का मतलब ये होता है कि इस पूरे सर्कल में से कितनी करंट पास हो रही है, मुझे तो उसमें इंटरेस्टेड है, एग्जामिनर को भी उसमें इंटरेस्टेड है, वो आपसे निकलवाना चाह रहा है कि इस पूरे सर्कल में से कितनी धारा बाहर निकल रही है, वो तो वो चाह रहा है, लेकिन वो कैसे कह दिया आपसे कि वेरिएबल करंट डेंसिटी, वेरिएबल का मतलब है कि इसके अंदर हर एक एकांक क्षेत्रफल से धारा अलग अलग जा रही है। अब निकाल बेटा कैसे निकालेगा, सीधा दे देता तो ऐसे निकाल लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्स्टेंट है तो पाई आर स्क्वायर लगाया एरिया और जो करंट डेंसिटी दे दी लगा दिया आई आ गया, लेकिन यहाँ पे नहीं निकाल सकते। तो उस वाले केस में अपन किसका आह्वान करेंगे बच्चों, उस वाले केस में अपन अवकलन और समाकलन का क्या करेंगे, आह्वान करेंगे, बुलाएंगे अवकलन और समाकलन को। अवकलन से क्या बोल देंगे कि देख अवकलन भाई मैं तुझे इतना एरिया दे रहा हूं, ये पूरा एरिया मैंने तुझे दे रहा हूं, ठीक है भाई, और पूरा एरिया क्या मान लिया मैंने, ए एरिया मैंने मान लिया, मैंने बोला कि अवकलन देख मैं तुझे ए नाम का एक क्षेत्रफल मैं दे रहा हूं, मतलब एक क्षेत्रफल है पूरा ए मीटर स्क्वायर, जो भी कुछ बोलो, वर्ग मीटर बोल लो, वर्ग सेंटीमीटर बोलो, जो आपको मात्रा लगाना है लगा लो, तो मैंने अवकलन बोला मैं आपको ये दे रहा हूं, वेरी गुड। फिर क्या होगा, अब मैं उससे क्या कह रहा हूं कि तू ले तो ले, लेकिन क्या कर, मुझे इसका एक इतना सा छोटा टुकड़ा ला के दे, इतना छोटा टुकड़ा ला के दे कि वही छोटे टुकड़े को यदि मैं इसके दूसरी तरफ ले जाऊं, उसी छोटे टुकड़े को दूसरी तरफ ले जाऊं, तो उसमें से धारा उतनी ही निकले जितनी कि उस पे पहले निकल रहे थे। नहीं समझ में आया बच्चों, मैंने क्या बोला, मैंने अवकलन को क्षेत्रफल दे दिया ए वर्ग मीटर, और दे के मैंने उससे बोला कि तू इसका इतना सा छोटा पीस कर दे कि उस छोटे पीस को मैं इस पूरे क्षेत्रफल पे कहीं भी ले जाऊं तो उसमें धारा क्या जानी चाहिए, कांस्टेंट जानी चाहिए। तो उसने बोला अवकलन ने, बिल्कुल मैं ये काम तो कर सकता हूं, मैं छोटा सा मैं उसको पॉइंट बना दूंगा। तो अवकलन जो करेगा, यानी ये जो पूरा क्षेत्रफल जो ए है, उसने क्या करा, उसने छोटा सा आपको क्षेत्रफल दे दिया डी ए, छोटा सा क्षेत्रफल क्या दे दिया, डी ए दे दिया। समझ आई बात बच्चों, छोटा सा क्षेत्रफल क्या दे दिया उसने, डी ए। ये जो छोटा सा डी ए है वो लुक लाइज आपको दिखता कैसे है वो मैं बताऊं, बिल्कुल ये पॉइंट मतलब ऐसा दिखेगा, बिल्कुल इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सब एक जैसे दिखेगा, एक पॉइंट दिख गया। उसने एक छोटा सा क्षेत्रफल दे दिया जिसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं डी ए से, एरिया ए है तो इसका छोटा सा डी ए,
और ये दिखता कैसे, बहुत बिंदु सा। अब इस बिंदु से को मैं कहीं पे भी ले जाऊं, इस बिंदु से को मैं कहीं पे भी ले जाऊं, यहाँ पे कहीं पे भी रखूं, तो बोलो उससे जो धारा निकलेगी वो कैसे निकलेगी, कांस्टेंट निकलेगी। तो मेरा काम हो जाएगा, अब मेरा काम हो गया, समझाए बच्चों। तो पहले चीज तो अवकलन का काम खत्म। अब बात करेंगे समाकलन से। अब समाकलन से क्या बोलेंगे, देख समाकलन मुझे क्या है कि जो पूरा क्षेत्रफल है, इस पूरे क्षेत्रफल में से कितनी धारा जा रही है वो मुझे काउंट करनी है, काउंट करनी है। समझाए बच्चों, समाकलन का मतलब क्या होता है, काउंट करना। समाकलन मतलब क्या होता है, काउंट करना। अब किसको काउंट करेगा इस वाले क्वेश्चन में, टोटल करंट को, टोटल करंट, ठीक है, पासिंग थ्रू एरिया ए, इससे कितनी करंट बाहर निकल रही है वो समाकलन काम करेगा। तो मैंने उससे बोला बेटा, मतलब समाकलन की बेटा मुझे जो धारा है, ए जो क्षेत्रफल ए मैं आपको दे रहा हूं, इसमें से कितनी धारा जा रही है वो आप मुझे निकाल के दो। तो समाकलन बोलेगा ठीक है मैं निकाल तो दूंगा, लेकिन मेरे से पहले आप अवकलन के पास जाओ। तो समाकलन पहले किसके पास भेजेगा, अवकलन के पास। फिर आप क्या बोलोगे, सर मैं अवकलन से काम करवा लाया, अवकलन से काम करवा लाया। अरे वेरी गुड, तो क्या काम करवा के लाया अवकलन से, तो मैंने अवकलन से डीए नाम का छोटा सा पीस ले लिया, और उस छोटे से पीस को मैं कहीं भी ले जाऊं उसमें धारा क्या हो रही है, कांस्टेंट जा रही है। वेरी गुड, फिर समाकलन क्या बोलेगा, ठीक है। तो अब आप क्या करो कि वो जो डीए नाम का जो आपने छोटा सा पीस लिया है उसकी लोकेशन कहाँ है वो मुझे बताओ। तो ध्यान से समझ लेना, समाकलन क्या बोलेगा, जो छोटा सा डीए आपने लिया है उसकी लोकेशन कहाँ पे है। बच्चों मैं आपसे सही कह रहा हूं कि देखो इतना सा, इतना ज्यादा फील मैं क्यों दे पा रहा हूं, क्योंकि मैथ और फिजिक्स आपको मालूम है, इसलिए मैथेसिस गुरु बने हैं। आप यदि इस फिजिक्स को ऐसे नहीं पढ़ोगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है बच्चों, बहुत, अभी तो हमारी शुरुआत है, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है बच्चों, लेकिन फैक्ट बात यही है बच्चों, क्योंकि मैंने भी उनके लेक्चर में से पढ़ा है, कई फिजिक्स के लेक्चर्स पढ़ते हो। लेकिन बच्चों देखो, मैथ को यदि अपन फिजिक्स में लिंक कर देते हैं एक बार, मैथ का टीचर यदि फिजिक्स में थोड़ा सा लिंक कर देगा ना, तो बच्चों की जो फिजिक्स है वो बहुत आसान लगने लगेगी। ऐसा जब भी कोई फ्लक्चुएशन वाला काम आ गया, वेरिएबल वाला काम आ गया ना, तो वेरिएबल वाले काम में हमेशा किसको बुलाएंगे, हमेशा अपन अवकलन समाकलन बुलाएंगे। अवकलन का काम क्या है, एक ऐसा छोटा सा पीस कर दे जिसको कहीं भी ले जाओ उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना चाहिए वेरिएबल का मतलब किस भौतिक राशि में कैसे जुड़ रहा है, तब वो समझ में आएगा। तो अच्छी बात है, समाकलन वाले क्या है, समाकलन क्या बोलेगा, पहले अवकलन पास जा, अवकलन पास जाए हम वो दे दिया, तो अवकलन क्या बोलेगा कि ठीक है वो छोटा सा जो पीस है उसकी लोकेशन कहाँ है, क्योंकि विदाउट वॉच, विदाउट वॉच इट लोकेशन समाकलन कांट बी हेल्प, यानी समाकलन काउंट नहीं कर सकता, वो लोकेशन के अकॉर्डिंग अपन को क्या कर सकता है, काउंट करेगा। तो देखो समाकलन क्या करेगा, समाकलन को अपन ने लोकेशन बता दी, तो लोकेशन बताने के लिए अब अपन ने क्या करा कि मैंने मान ला, तो हमेशा लोकेशन कहां से लेते हैं, एक लोकेशन हमेशा कहां से लेंगे, एक ऐसे रेफरेंस पॉइंट से जिस जो मुझे मालूम हो, जो हमें मालूम हो। तो लोकेशन पॉइंट हमेशा कौन सा लेते हैं, ऐसा रेफरेंस पॉइंट जो हमें मालूम हो, ऐसे हवा में तुक्का मत मार देना, ऐसा रेफरेंस पॉइंट जो हमें मालूम हो और वहां से काउंट करने अपने आसानी हो। यानी मैं ऐसी जगह जाके खड़ा हो जाऊंगा, लोकेशन का मतलब यह है कि मैं ऐसी जगह जाके खड़ा हुआ, रेफरेंस पॉइंट पे जाके खड़ा हुआ, कि वहां से यदि मैं जोड़ना स्टार्ट करूं, वहां से जितने भी डीडीए वाले हैं, जब डीडीए वाले को मैं एक जो अल्पांश लिया है उसको जब मैं रखता चलूं, तो इस प्रकार रखना है मुझे कि पूरी आकृति बन जाए, पूरी आकृति यानी पूरा घुमा लूं मैं, पूरा घुमाने का मतलब इस पूरे सर्किल में घुमा लूं। भाई मुझे देखो टोटल करंट निकालनी है, तो ये डीए को पूरी जगह घुमाना पड़ेगा। अब डीए को यहाँ रख के चेक किया, 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 तो धारा जो भी आ रही है उनको जोड़ लिया। फिर डीए को यहाँ रख के चेक किया, यहाँ रख के चेक किया, फिर यहाँ रख के चेक किया, यहाँ रख के चेक किया, यहाँ रख के, यहाँ रख के, यहाँ रख के, तो अब मुझे रेफरेंस पॉइंट ऐसे लेना है कि वो रेफरेंस पॉइंट कैसे लेना है, जो हमें मालूम हो और वहां से चारों तरफ घूमना, चारों तरफ घूम सकूं मैं, पूरी सतह पे चारों तरफ घूम सकता हूं। अब ये घूमने का कॉन्सेप्ट समाकलन बताएगा, तो इसको समझना आएगा बच्चों यहाँ तक। तो फिर अब मैं क्या करूंगा इस वाले क्वेश्चन के लिए, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए बच्चों देखो अपन कैसे करेंगे। मेरे प्यारे लालू,
जल्दी जल्दी देखो बच्चों, बहुत जल्दी जल्दी अपन को स्पीड बढ़ाने बच्चों, नोट्स बनाते चलना। देखो मेरा पहला प्रिंसिपल यही है, नोट्स बनाओगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, नहीं आपको ऐसे लगेगा फ्री का टीचर फ्री पढ़ा रहा है। ठीक है, नोट्स बनाओगे तो थोड़ा आपको लगेगा कि वास्तव में टीचर टीचर ही है। अब देखो बच्चों मुझे खुद की पढ़ाई खुद ही कर लेते हो। हाँ तो बच्चों क्या करें, तो यहाँ बच्चों अपन क्या करना है कि मुझे ये जो सर्किल था अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल था, और मैं कहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ, समझ आए बच्चों। तो मुझे ऐसा दिखेगा और इसमें जो धारा है ऐसे मुझे बाहर की तरफ आती दिखेगी। तो बच्चों रेफरेंस पॉइंट क्यों ना मैं सेंटर ले लूँ, हमेशा जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं वो कैसे लेते हैं, हमेशा जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं वो कैसे लेते हैं, सेंटर ऑफ मास। रेफरेंस पॉइंट हमेशा कौन सा रहता है, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। अब ये द्रव्यमान केंद्र की कहानी आपको यदि अच्छी आती हो तो ठीक है, नहीं अपन ये जो उड़ान वाले कोर्स में जब 11वीं की तरफ मूव करेंगे तब आप वहां समझ लेना। तो बच्चों मैं यहाँ पे बैठ गया और यहाँ से मैं कुछ दूरी पे जाके, अब देखो कुछ पहले तो अपन कुछ दूरी लेंगे, तो मैंने कुछ दूरी पे जाके, कुछ दूरी पे जाके, तो एक्स दूरी पे जाके, और मैंने क्या करा, क्षेत्रफल मैंने जो डी ए नाम का जो क्षेत्रफल लिया वो मैंने ऐसे ले लिया। ये बच्चों एक स्टैंडर्ड नोटेशन होता है किसके लिए, जब भी आप किसी भी चक्ती में आपको काटना हो। ये क्या है बच्चों, देखो जब मैंने इसको काटा ना, आप ध्यान से समझना इस चीज को। आप बच्चों एक आप ये मानो कि जो मेरे पास बेलनाकार जो तार था, बेलनाकार जो तार था वो आप ये मान लो कि जैसे अपने पास मूली मान लो बच्चों, मूली जो होती है ना, आप मूली खाते हो, सर्दी आने वाली है, मूली खाओगे, गैस निकालोगे बहुत तरह की बच्चों, तो वो जो मूली आपके पास है जो आपने उसको काटा, तो काटने के बाद जब आप उसको ऐसे देख रहे हो तो गोल दिखेगी, और कैसे दिखेगी, खोखली की ठोस ठोस दिखेगी ना, तो ठोस का मतलब क्या हो गया, चक्ती। ठोस का मतलब क्या हो गई, चक्ती। और ध्यान रखना बच्चों, चक्ती को जब भी मुझे काटना है, चक्ती को जब भी मैं अवकलन के पास लेके जाऊंगा, तो अवकलन उसको कैसे काट के देगा मुझे, वो मुझे कैसे काट के देगा, एक रिंग के रहा, एक रिंग में काट के देगा, ये बात समझ लेना आप बच्चों। ठीक है, तो ऐसे हाउ टू टेक एलिमेंट, तो हर वस्तु का कैसे अपन छोटा छोटा सा अवकलन लेते हैं, जैसे मैं अलग अलग वस्तु का अवकलन के पास लेके गया और वो कैसे कैसे काटेगा, तो वो जो है बच्चों इसके ऊपर भी एक किताब चलती है, हाउ टू टेक स्मॉल एलिमेंट ऑफ ए बॉडी, हर एक बॉडी का कैसे अपन छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। तो जो बच्चे अभी मैं समाकलन कराऊंगा बच्चों आपको, अवकलन समाकलन मैथ में, तो वहां और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आपके फिजिक्स में केवल गिने चुने 5 ही वस्तु ऐसी है, वही 5 वस्तुओं को घुमा के अपन लेके जाते हैं अवकलन के पास और बोलते हैं टुकड़ा कर, और उनकी आकृति अपन याद कर लेते हैं। तो चक्ती की, जब चक्ती को मुझे काटना है तो मैं कैसे काटूंगा बच्चों, अवकलन जो कैसे काट के देगा मुझे, छोटा सा वो रिंग काट के देगा। अब वो जो रिंग होगी वो दिखेगी कैसे, अपन को तो वैसी दिखेगी बिल्कुल पॉइंट साइज, अपन को तो पॉइंट साइज दिखेगी, लेकिन वो पॉइंट साइज को मैं जूम करूं अच्छे से कैमरे से तो मुझे वो क्या दिखती है, मुझे वो एक वलय दिखती है, आप ये मान के चलो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये वलय हो गई, और ये जो वलय उसने काटी, यहां से काटी है रेफरेंस लेके, क्योंकि समाकलन को रेफरेंस चाहिए, तो पहले से अपने रेफरेंस यूज कर लिया, यहां से एक्स पे जाके, एक्स पे जाके, एस पे जाके डीएक्स मोटाई की, डीएक्स मोटाई की एक कल्पित वलय, एक कल्पित वलय जिसका क्षेत्रफल, देखो मुझे किससे इंटरेस्टेड है, जिसका क्षेत्रफल, अब बोलो बच्चों इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, डीए, छोटा सा क्षेत्रफल डीए। अब डीए कितना हो जाएगा बच्चों, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो देखो बच्चों इस वलय को जो अपन रिंग है, तो रिंग को, रिंग होते हैं ना रिंग सेरेमनी, तो उस रिंग को निकाल के चौड़ा कर लो, तो बच्चों इस रिंग की परिधि कितनी रहेगी, परिधि आ जाएगी 2πr, 2πx, परिधि कितनी रहेगी 2πx, और मोटाई कितनी हो गई इसकी dx, तो ये इसका हो गया dA, तो ये छोटा सा dA क्या दिया उसने, 2πx dx। ठीक है बच्चों, अब ये जो छोटी सी जो मैंने ली, अब इसको आप कहीं भी रखो, कहीं भी रखो, इसमें से जो धारा निकलेगी वो हमेशा क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, इसमें से जो धारा होगी वो हमेशा क्या रहेगी मेरे बच्चों, कॉन्स्टेंट रहेगी, समझ आया बच्चों। तो अब अपने समझ में आ गया, तो क्षेत्रफल डी हो गया, तथा इस कल्पित क्षेत्रफल से, तथा इस कल्पित क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा, तथा इस कल्पित क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा, अब बच्चों ये जो धारा होगी अभी कॉन्स्टेंट हो गई, जो इससे जो क्षेत्रफल से जो धारा निकलेगी वो कैसे हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी, और कॉन्स्टेंट का सूत्र क्या होता है, अब देखो बच्चों इसको डी आई लिखूंगा ना छोटी सी, भाई कल्पित क्षेत्रफल से माने तो कल्पित से क्या होगी, छोटी सी, और इसमें क्या हो जाएगा बच्चों
डीआई बराबर अभी फॉर्मूला पढ़ा अपन ने क्या, जे वेक्टर कॉन्स्टेंट बना लिया ना, तो जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये मैंने क्या मान लिया बच्चों, ये मैंने वो फॉर्मूला लगा लिया, कॉन्स्टेंट बना लिया ना इसको, इसलिए मैंने ये बना लिया। ठीक है बच्चों, अब मुझे कल्पित से मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है, पूरे से मतलब है। तो इतना मानने के बाद देखो समाकलन क्या बोलेगा, आप समाकलन के पास लेके जाएंगे इसको, समाकलन बोलेगा काट लिया काट लिया, रेफरेंस ले लिया ले लिया, चल ठीक है लिया मेरे पास, कहां से रेफरेंस लिया यहां से, कहां तक जुड़वाना है तेरे को पूरा, ठीक है, तो फिर रो क्यों रहा है, जीरो से लेके कहां तक लेगा आर तक, तो वो कहां तक करेगा, तो कुल धारा निकालनी है, तो कुल धारा क्या हो जाएगी, कुल धारा बराबर आई, कुल धारा आई बराबर समय समाकलन डी आई। ठीक है बच्चों, समाकलन कर देगा, और अभी आप वैल्यू मत रखना, डी आई की वैल्यू रख दो जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और फिर इसकी वैल्यू क्या रखोगे, जीरो से लेके आर तक, खत्म करना। तो ये हो गया आपके पास कुल धारा। तो ये कौन सा समझ में आ गया बच्चों, कॉन्सेप्ट समझाना ही मेरा उद्देश्य था, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे दो क्वेश्चन आएंगे, और दोनों क्वेश्चन आप खुद करने में बहुत इजीली आप क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है बच्चों, तो इसको उतारो फटाफट जल्दी से नोट डाउन करके। करंट डेंसिटी वेरिएबल में हमेशा किसके से करते हैं, अवकलन और समाकलन से। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो बच्चों आप देखो आपकी स्क्रीन पे ये दो क्वेश्चन आ रहे होंगे, और ये दोनों क्वेश्चन ही कहे किस बेसिस पे बच्चों, कि वेरिएबल करंट डेंसिटी देके आपको टोटल धारा पूछी है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको एक लॉन्ग वायर है, वायर लंबा है बच्चों, और उसका जो क्रॉस सेक्शन है, अपन को क्रॉस सेक्शन से मतलब है, उसका क्रॉस सेक्शन कैसा है बच्चों, सिलेंड्रिकल, और उसकी रेडियस कितनी है आर। तो ये जो वायर है बच्चों, जब मैंने इसको काटा, काटने के बाद जब मैं उसको साइड में से देख रहा हूँ, तो मुझे कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा सिलेंडर। ठीक है बच्चों, और ये सिलेंडर कैसा ठोस दिखेगा ना, तो ये क्या हो गई, चकती हो गई, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो कैसे हो गई, चकती हो गई, और चकती को काटना अपन जानते हैं, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है आपको, इसकी रेडियस आर दे रखी है, कितनी दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी रेडियस आर आपको दे रखी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपसे पूछा, अब आपसे और क्या बोला है, कि जो करंट डेंसिटी वो कैसी करंट डेंसिटी है, वेरिएबल, और कितना दे रखा है, जे बराबर सी एक्स स्क्वायर, और करंट डेंसिटी की यूनिट क्या होती है बच्चों, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया बच्चों, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होती है करंट डेंसिटी की यूनिट। और ये जो करंट डेंसिटी है, वेरी कर कैसे रही है, तो वेरी कैसे कर रही है बच्चों, जो एक्सिस होता है, ये जो एक्सिस है, ये जो वायर का जो एक्सिस है, तो इस वायर का एक्सिस मतलब आपको जब आप साइड में से यहां से देखोगे, तो इस वायर का एक्सिस आपको ऐसे दिखेगा, है ना, इस वायर का एक्सिस आपको ऐसे दिख रहा है बाहर की ओर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो यहां से जब मैं ऐसे जा रहा हूं, तो मेरे पास हर एक एकांक क्षेत्रफल में जे क्या कर रहा है, बदल रहा है, देखो एक्स ले रखा है ना, तो थोड़ा थोड़ा यदि मैं लेके जाऊंगा क्षेत्रफल को, इधर लेके जाऊंगा ऊपर तक, तो एक्स बदलेगा, यहां से एक्स बदलेगा, तो जे बदल रहा है। तो ये कैसा है, करंट डेंसिटी जो है वो कैसी है, वेरिएबल है, असमान है। अब मुझे टोटल धारा निकालनी है, तो बच्चों क्या करना है, सबसे पहले अवकलन के पास लेके जाओ इस एरिया को, अवकलन टुकड़ा कर देगा। अब आपको मालूम है चक्ती को अवकलन के पास लेके जाऊंगा, तो वो किस में काट देगा, वाले में, और वो कैसे काटेगा, कहां से दे रहा है, बोल रोए मत, कहां से दे रहा है वेरिएबल, एक्स कैसे एक्स बदल रहा है, यहां से, तो ठीक है यहां से काट लो। तो यहां से उसने क्या करा, एक्स पे जाके डी एक्स मोटाई क्या काट ली बच्चों, उसने वाले काट ली, अभी बताया मैंने ये सब क्वेश्चन, एक्स पे जाके डी एक्स मोटाई क्या काट ली, एक वाले काट ली, और बोला चल ठीक है, अब इस वाले को तू कहीं भी रख, तेरे पास इससे जो भी धारा निकलेगी वो कैसे निकलेगी, हमेशा एक समान, यानी करंट डेंसिटी इसमें क्या भाई, समान हो गई। ठीक है बच्चों, तो इस कल्पित अल्पांश से जो धारा निकलेगी, इस कल्पित अल्पांश से जो धारा निकलेगी वो डी आई छोटी सी, और उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब आप बता सकते हो इसका जो डी ए होगा, वो डी ए कितना होगा, टू पाई आर, मतलब टू पाई एक्स इंटू डी आई, ये होगा बच्चों। अब वेक्टर हटाना है मुझे, तो बच्चों इसको जब मैं हटाता हूँ, तो डी आई बराबर क्या लिखता हूँ, जे डी ए कोस थीटा, ये लिखता हूँ बच्चों। थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल बिटवीन जे और डी ए, यानी जे एंड डी ए के बीच में एंगल, तो इसको दिखाता हूँ मैं, जे एंगल डी ए। तो बच्चों करंट डेंसिटी जो होती है वो किधर होती है, धारा की दिशा में। अब जो धारा बोलो ऐसे आ रही ना, आप जब ऐसे हो तो आपको तो धारा यूं आती दिखेगी, ऐसे बाहर की तरफ, धारा बाहर की तरफ आ रही है, यानी जे की दिशा की तरफ, बाहर की तरफ, और डी यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किधर लेते हैं, धारा की दिशा में। तो इसका जो अल्पांश है, ये जो रिंग है, इस रिंग का क्षेत्रफल किधर है, इधर की तरफ, तो एक समान है, तो इसका मतलब एंगल कितना हो गया, जीरो डिग्री, कोस जीरो के लिए कितनी वन, तो डी आई बराबर कितना जाएगा बच्चों, जे डी ए, समझ आया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो डी आई, जे की वैल्यू बोलो बच्चों कितनी है, जे की वैल्यू है सी एक्स स्क्वायर, सी एक पॉजिटिव नंबर है, कोई घबराना बात नहीं है इसमें बच्चों,
और डीए कितना है, डीए आपके पास 2 पाई एक्स डीएक्स। बच्चों तो ये हो गया अपने पास क्या कि जो ये जो अल्पांश है ना छोटा सा, इस अल्पांश से कितनी धारा निकल रही है। ठीक है बच्चों, काउंट करके दे दिया उसने, अब इसको किसके पास जाएंगे, समाकलन के पास। तो वो क्यों रहा है बता, सेंटर वेंटर क्या दे दिया, तो डी आई के लिए रखेंगे सी टू पाई और एक्स स्क्वायर एक्स मिलकर क्या जाएगा एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। अब बोलो मुझे एक्स के साथ जोड़ना है, कहां से कहां जोड़ेगा, वो क्यों रहा है जीरो से लेके कहां आर तक, तो x के लिए 0 से लेके r तक, ये x ही होना चाहिए बच्चों। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अपन किसके साथ समाकलन कर रहे हैं, x के साथ। तो बच्चों i बराबर, अब समाकलन आना चाहिए, समाकलन नहीं आएगा तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता किसी प्रकार का। x क्यूब का समाकलन क्या होता है बच्चों, x पर y 4 होता है, और कहां से कहां लिमिट रखे, 0 से लेके कैपिटल r तक। तो i बराबर कितना रहेगा बच्चों, 2 पाई c और r की पावर 4 बटे 4 हो जाएगा बच्चों, हायर सीमा रख देंगे फिर माइनस लोअर सीमा, तो जीरो आए तो वो तो जीरो ही जाएगा बच्चों। तो आई बराबर कितना जाएगा, 2 से 2 काटेंगे तो पाई सी आर की घात 4/2। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एम्पियर की आगे धारा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो कोई दिक्कत आई थी इस पहले क्वेश्चन में, ओके बच्चों। अब बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी सेम है बच्चों। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो तार है ना, अब ये तार कैसा है, वर्ग का। कैसे पता लगा कि जब मैंने इसको काटा, इसको आप स्क्रीनशॉट वो कर लेना बच्चों, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लेना या उतार लेना जो भी आपको करना है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन जो बच्चा आपने दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों आपको, कि जो वर्गाकार है ना, तो मैंने ये जो कोई तार है जब मैंने इसको काटा, तो काटने के बाद मुझे साइड व्यू से जब मैंने देखा यहां से, तो मुझे ऐसा दिखा, तो क्या हो गया ये वर्गाकार अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो गया। और जिसकी भुजा आपको दे रखी कितनी है, ए ए दे रखी है, भुजा क्या दे रखी है बच्चा आपको, ए ए दे रखी है, ठीक है। अब इसमें जो जे है वो जे क्या दे रखा है बच्चों आपको, इसमें जे दे रखा है ए ई की पावर बी एक्स एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है आपको। और ये जे क्या हो रहा है बच्चों, बदल रहा है जे, कैसे बदल रहा है देखो, ये भी लिख रखा है कि कैसे बदल रहा है, इसके एक एजेस से, कोई भी एक एज यानी कोई भी एक किनारे से जब मैं ऐसे जा रहा हूं दूसरे किनारे को जा रहा हूं, तो एक्स जो है, एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स की लोकेशन क्या है, किसी भी एक किनारे से, किसी भी एक किनारे से दूसरे किनारे पर, दूसरे किनारे पर जाते समय, ठीक है, जाते समय जे की वैल्यू बदल रही है, ठीक है। ये सिस्टम है, तो क्वेश्चन ये दे रखा है। अब आपसे वो ही बोला है टोटल करंट निकालने, तो बच्चों अब आप क्या करोगे, बदल रहा है वेरिएबल है, अवकलन पहले जाओ, अवकलन से बोलो ये वर्गाकार है, इसको ऐसे काटना है छोटा सा पीस, कि उस छोटे से पीस को कहीं भी लेके जाऊं तो फिर वो क्या नहीं हो, उसकी धारा जो है वो हमेशा एक समान रहे, तो करंट डेंसिटी कॉन्स्टेंट हो जाएगी उस वाले केस में। तो बच्चों अपन क्या करेंगे, इसको एक्स पे जाके, तो वो अवकलन क्या करेगा, इसको एक्स पे जाके पहले बोल देगा कि क्वेश्चन बता कैसा है, तो क्वेश्चन ये रहा, तो फिर वो क्या करेगा, एक्स पे जाके डी एक्स मोटाई क्या कर दिया उसने, ये एक्स पे जाके डी एक्स मोटाई की एक अल्पांश ले लिया। अब ये जो अल्पांश लिया एक्स पे जाके डी एक्स मोटाई, जैसे अपन लिखते हैं ऐसे लिखेंगे एक्स पे जाकर, बच्चों आप ऐसे लिखे आओगे ना बोर्ड पे, बोर्ड में कई कई डेरिवेशन आते हैं चार चार नंबर के, आप ऐसे लिख के आओगे ना तो नंबर कहीं नहीं कटेगा पूरे उसमें, देख लेना बच्चों, एक्स पे जाकर डी एक्स मोटाई का एक कल्पित अल्पांश माना जिसका क्षेत्रफल कितना हो गया बच्चों, डीए बराबर क्षेत्रफल, डीए से लगाओगे छोटा सा डीए तो कितना जाएगा, तो बोलो बच्चों इसकी लंबाई कितनी है, इसकी ये ए है तो ये ए हो गया, और मोटाई कितनी है डीएक्स, तो कितना जाएगा ए इंटू डीएक्स, इसका क्षेत्रफल ये हो गया। अब इस क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा का मान, तो इस क्षेत्रफल से धारा देखो ऐसे आएगी ना आपकी तरफ, क्योंकि आप यहां खड़े हो तो धारा तो ऐसे आ रही है, यानी आपकी तरफ बाहर निकल रही है, तो जब धारा बाहर निकल रही है तो बोलो धारा, छोटी सी धारा जब डीआई होगी, अब इसके लिए धारा का घनत्व तो कांस्टेंट है, तो डीआई बराबर के लिए वो जे वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, ये लिखोगे तो बच्चों डीआई बराबर जे डीए वेक्टर हटाओगे तो कोस थीटा लगाओगे, थीटा क्या होता है एंगल बिटवीन जे वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। अब जब इन दोनों के बीच में एंगल देखना है तो धारा घनत्व किधर है, धारा घनत्व की दिशा कहाँ होती है, धारा की दिशा में, धारा कैसे आ रही है ऐसे, यानी आपकी तरफ, तो धारा की दिशा ये रही, और ये जो अल्पांश मैंने माना है इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल की दिशा भी किधर है, इधर,
तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, तो इसमें एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री 1 होती है, तो डी आई बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जे डी हो जाएगा। डी ए की वैल्यू यहां से उठा के रखेंगे, जे की वैल्यू यहां से उठा के रखेंगे, तो डी आई बराबर कितना हो जाएगा, तो डी आई बराबर मेरे प्यारे बच्चों जे की वैल्यू कितनी जाएगी, ए ई की पावर बी एक्स इंटू डी एक्स की, डी ए की वैल्यू कितनी जाएगी, ए डी एक्स। सुनाया बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा ये जो ए दे रखा है ना, आप इस ए और इस ए को, अच्छा लेंथ एल दे रखी है, सॉरी बच्चों इसकी लेंथ क्या दे रखी है, एल, तो एल ले लो ना, क्यों घबरा रहे हो बच्चों। ये जो एनिमेशन है ना, ये एनिमेशन मेरे को बाद में पता लगेगा, शुरू में नहीं है बच्चों, एनिमेशन में बाद में डालता हूँ। तो एल, तो यहाँ पे कितना जाएगा, ये है एल डी एस, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या, एल डी एस हो गया। तो ये मैंने काट के दे दिया, ठीक है, ये हो गई धारा, छोटी सी धारा, अब ये कॉन्स्टेंट है कहीं भी लेके जाओ। तो अब मुझे काउंट करवाना है ऐसा कितना है, तो समाकलन पा लेके जाऊंगा, समाकलन लगा लाओ 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 डी आई, पहले यहाँ पे डी आई लिखना है, फिर उसके बाद ए ई की पावर बी एक्स इंटू एल इंटू डी आई। अब बी एक्स के साथ में जोड़ना है, और कहाँ से चलाया वो बोलेगा, अरे इस किनारे से गरीब, इस किनारे चलाया है तूने, और कहाँ तक जुड़वाना है तेरे को, यहाँ पूरा एरिया, तो जीरो से लेके कहाँ ले जा एल तक, तो जीरो से लेंगे एल तक ले गया, समझ आया बच्चों। तो आई बराबर क्या कॉन्स्टेंट रहेगा, ए एल तो कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो, बी एक्स वाले टर्म्स को ये अंदर रखना, तो जीरो से लेंगे एल ई की पावर बी एक्स इंटू डी एक्स। याद रख लेना बच्चों, कोई बच्चे यदि बायो के देख रहे हैं तो वो भी याद रख लेना, ए ई की पावर बी एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है बच्चों, ई की पावर बी एक्स ही होगा, लेकिन एक्स का गुणांक यहाँ पे क्या है, बी है, तो इसका भाग लगाना पड़ेगा, तो ये इसका होगा समाकलन, ये आपको याद रखना है बस, ठीक है बच्चों। तो आई बराबर कितना जाएगा, वो ए एल, अब उच्च सीमा रखेंगे, तो बच्चों उच्च सीमा रखेंगे ए बी एल, एक्स की जगह एल उच्च सीमा बटे बी ऐसे कैसे माइनस, फिर लोअर सीमा रखेंगे तो ई की पावर जीरो जाएगा, एक्स के लो जीरो, तो ये पूरा जीरो जाएगा क्योंकि बी कॉन्स्टेंट है, तो ये बी ऐसे। अब बच्चों बोलो क्या हो जाएगा, आई बराबर बी को बाहर निकाल लो, तो ए एल बाई बी, और यहाँ क्या हो जाएगा, ई की पावर बी एल माइनस ई की पावर जीरो के लिए कितना होते हैं वन, तो ये आपके पास आ गया एक सड़ा सा आंसर, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो समझ में आ गया ये धारा घनत्व का कॉन्सेप्ट, तो अब अपन मिलेंगे बच्चों ड्रिफ्ट करंट के साथ, और ड्रिफ्ट करंट के बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे बच्चों अपन, पूरी मस्त फील आई, आप कहीं मत जाना बच्चों, उड़ान के साथ जुड़े रहना यदि आपको कुछ पाना है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, नोट्स बनाते चलना, हैव अ गुड डे, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।